बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल स्टेट एडवाइज़र से। सो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में हम आपको DHA वैली का जो ब्रिज है, जो ब्लू बेल का ब्रिज है, उसकी अपडेट्स देंगे आपको सारी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलेगा, ताकि आपको मज़ीद इसकी कंप्लीट डिटेल्स मिलती रहे। DHA वैली का जो ब्लू बेल ब्रिज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेसिबिलिटी के लिहाज से, क्योंकि अदरवाइज़ अभी अगर आप करंट एक्सेसिबिलिटीज़ देखते हैं कि कहाँ कहाँ से एक्सेस आ रही है, तो एक आपके पास जो रेडी एक्सेस है वो ओलियंडर की एक्सेस है, उसके अलावा जिस बुलेवार्ड पे भी काम हो रहा है वो आपकी बुगनविला की वो बनती है, लेकिन डायरेक्टली इस्लामाबाद से कनेक्ट करने के लिए ब्लू बेल ब्रिज पर काम हो रहा था। अभी हम आपको इसी वीडियो में फुटेज भी दिखाएंगे, क्योंकि ब्लू बेल का ब्रिज तो आपको बैक में नज़र आ रहा हो कि यहाँ पे डेवलपमेंट चल रही है, यहाँ पे जो गर्डर्स हैं वो भी रखना शुरू हो चुके हुए हैं। इसी के साथ जो इस्लामाबाद से DHA 5 से आपके पास जो एक्सप्रेस वे आएगी वो कनेक्ट करेगी इवेंचुअली आपके जो बैक पे जगह नज़र आ रही है DHA 6 है सारा। DHA 6 होते हुए DHA 6 के साथ आपके एक्सप्रेस वे कनेक्ट करेगी जो DHA की है, जिसपे भी काम हो रहा है, और यहाँ से आप डायरेक्टली ब्लू बेल के अंदर एंटर हो जाएंगे। तो ये आपके एक्सेस जो है ये डायरेक्टली इस्लामाबाद से कनेक्ट करेगी। इस ब्रिज की वजह से आपको प्राइसेस में काफ़ी जो है अभी इम्प्रूवमेंट देखने में मिली पिछले टाइम में, लेकिन वी बिलीव कि आने वाले टाइम में जैसे ही ब्रिज कम्प्लीट होगा प्राइसेस में और जो डेवलपमेंट के लिहाज से आपको लग रहा है, जिस तरह से अब आपके पिलर्स यहाँ पे 100% रेडी हो चुके हैं, इट्स लाइक अ मंथ और सो प्लेस होके उसकी फिर बैलेंसिंग और वो सारी चीज़ें करने के बाद शायद आने वाले 2-1 महीने तक यहाँ पे पुल रेडी हो फॉर ट्रांसपोर्ट, जिसकी वजह से इस एरिया में प्राइसेस जो है वो काफ़ी इंक्रीज कर जाएंगे। अब अगर आप देखते हैं इस ओवरऑल इस लोकेशन पे, तो प्राइसेस यहाँ पे तो ज़्यादा है ही है, लेकिन वी बिलीव के आने वाले रमज़ान के बाद यानी ईद पे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और जो है काफ़ी ज़्यादा होती है, तो यहाँ की प्राइसेस और इंक्रीज़ होती हुई आपको नज़र आएंगे। करेंटली यहाँ पे अभी भी जो प्राइसेस हैं 8 परला फर्स्ट बैलेट सेकंड बैलेट या कोई भी प्लॉट की, इवन नॉन बैलेटेड प्लॉट्स जो ब्लू बेल के अंदर है, उसकी प्राइसेस भी काफ़ी इंक्रीज़ हो चुकी हुई है, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप आसपास देखते हैं ब्लू बेल के अंदर, तो आपको अब स्ट्रीट पोल्स भी लगे हुए नज़र आएंगे, वो हम आपको इसी वीडियो में दिखा भी देंगे। साथ साथ पोजिशनेबल आपके पास ब्लू बेल सारा है, यहाँ पे आपको इंटरनल रोड्स बनी हुई हैं, कुछ एरिया आपके पास नॉन डेवलप था वहाँ पे भी डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, और वो भी आने वाले टाइम में आपको कंप्लीशन की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। सो इवेंचुअली अगर ओवरऑल आप पूछें, तो यहाँ की अपडेट्स देख के जो है एक अच्छा पॉजिटिव व्यू या पॉजिटिव वाइब्स आती हैं कि डेवलपमेंट हो रही है और आने वाले 1-2 महीने के अंदर ये चीज़ें भी कंप्लीट हो जाएंगी, जिसकी वजह से DHA वैली का जो ब्लू बेल ब्रिज है, ब्लू बेल सेक्टर है, उसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो रोज़ या मैग्नोलिया ब्लॉक बनते हैं, इनकी प्राइसेस में भी इंक्रीज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी जो रोज़ मैग्नोलिया ये जो 2 ब्लॉक्स आते हैं, इनको ओलियंडर या बुगनविला से एक्सेस मिलती है और ये उनके सेंटर में बनते हैं। अगर ब्लू बेल से ब्रिज मिलता है तो फिर शायद ये सेकेंड ब्लॉक बनेंगे, जिसकी वजह से वहाँ पर प्राइसेस में भी ज़्यादा इजाफा देखा जाएगा। सो आज के एपिसोड के लिए इतना ही था। अगर आप DHA वैली के किसी भी ब्लॉक में या इवन DHA 6 में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पे हमसे रابطہ कर सकते हैं, ताकि हमारी टीम आपकी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपको बेहतर गाइड कर सके कि कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए, कहाँ पे आपको जो है इन्वेस्टमेंट पे बेहतर रिटर्न मिल सकता है और कितने टाइम में मिल सकता है। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ज़ुहैर मुस्तकीम रियल स्टेट एडवाइज़र से अल्लाह हाफ़िज़।